को हमने जैसे कि बचपन में एक सपना संजोया था कि पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करूं, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आया हूं जो खुद लकड़ी बेची है, घास बेची है और नमक मिर्ची के लिए संघर्ष किया है, और ऐसे छत के नीचे जीवन गुजारा है। बारिश होती थी तो मम्मी पापा कहते थे कि पानी इधर टपक रहा तो थोड़ी खटिया उधर कर लो, और उधर टपक रहा तो थोड़ी इधर कर लो, और रात भर ऐसे ही निकल जाती थी। तो वहां से निकल करके हमने सोचा दीदी कि यदि मेरे परिवार की दशा और दिशा यदि बदलेगी तो अच्छी पढ़ाई करने के बाद ही बदलेगी। मैंने खूब संघर्ष किया और उस संघर्ष में ऐसा भी दौर आया जब मैं बड़वानी मॉडल स्कूल में हॉस्टल में पढ़ता था और कॉलेज में प्रवेश किया, तो बड़वानी हॉस्टल में मेरा एडमिशन इसलिए नहीं होता था क्योंकि मैं सेंधवा ब्लॉक का था। पहले उस ब्लॉक के लड़कों को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हॉस्टलों में संख्या सीमित है, नंबर कैसे आएगा? बड़वानी ब्लॉक के लड़कों को ही नंबर नहीं लगता तो मेरा कहां से लगेगा। मैं भूकंप पापी केंद्र में कलेक्टर की विशेष परमिशन से अकेला रहता था और मेरा छोटा भाई रहता था मॉडल स्कूल में। राशन खत्म हो गया, मैंने कहा कि भाई घर जाओ, किराया करके दिया, कुछ राशन लेके आओ, कुछ पैसे लेके आओ। और एक दिन दो दिन करते हुए तीन दिन चार दिन हो गए, वापस आने के लिए उसके पास में किराया नहीं। मैंने कहा बेल भेज दो, पापा ने कहा बेल भेज देंगे तो खेती कैसे करेंगे। तो ऐसे करके 15 दिन हो गए, मेरे पास में राशन नहीं था तो मैं हॉस्टल में जाता था मेरे मित्रों के पास में, खाने के समय पे मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनसे बातचीत करता था, और बातचीत करते करते खाने का समय हो जाता था तो खाना खा के आ जाता था, मैं किसी मित्र के साथ में जाता था। तो ऐसा करके जब 15 दिन गुजारे तो प्रोफेसर संजय साठे जी जीवन में अभी नहीं रहे, वो चले गए, लेकिन उनको पता चला कि बोरलाल को खाने के लिए अन्न नहीं है, राशन नहीं है, उनको बुलाओ। मेरे को डांटा कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, आप संवाद कीजिए। तो उन्होंने मुझे 8 दिन 10 दिन का आटा और चावल और नमक मिर्च तेल सब राशन दिया। तो इस प्रकार से मैंने पढ़ाई की। मैंने सोचा पढ़ाई के अलावा कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि मैं अपने जीवन को बदल सकूं, मेरे परिवार को बदल सकूं, रिश्तेदार को बदल सकूं, समाज के लिए काम कर सकूं, देश के लिए काम कर सकूं। मैंने फीस भरने के लिए पैसे नहीं, किताबों के लिए पैसे नहीं, बाप को जानकर ताजुक होगा, आज के लड़के तो तीन तीन चार चार ड्रेस रहती है, मेरे पास में मैं कॉलेज में एक भी ड्रेस नहीं खरीदा। प्रेम सिंह जमरा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छात्रवृत्ति के पैसे के लिए मेरे लिए कॉलेज की ड्रेस खरीद के लाए थे। तो ऐसे लोगों ने मुझे मदद की, ओपी खांडे साहब, राजकुमार खंडेलवाल, सॉरी खंडेलवाल साहब, जिनकी राजकुमार स्मृति एक स्कूल है, उन्होंने मेरे महाजन स्टोर्स पे मेरे नाम से खाता खुलवा दिया। ये होनार बच्चा है, इनको यदि पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, किताबें नहीं मिले, कॉपी नहीं मिले, इनको दे देना, मैं इनका पैसा मैं दूंगा। लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ईमानदारी का फल मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं सर को इतना सारा वजन नहीं दूंगा, महाजन स्टोर्स वाले से मैंने निवेदन किया, मैं कुछ सामान तो सर के नाम से खरीदूंगा और कुछ मेरा यदि मेरे पे विश्वास करो तो मेरे नाम से खाता खोल दीजिए, मैं जिंदगी में कभी न कभी लौट आऊंगा। जब उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया तो उन्होंने कुछ तो पैसे सर ने दिए, मेरे खाते के पैसे। मैं जब टीचर बना 2001 की बात, और वो कॉलेज में कर रहा था लगभग 2001 में टीचर बना। टीचर बनने के बाद में मैं ऐसे ही यात्रा करके वहां से निकल रहा था और मेरे को याद आया कि मैं 11 साल हो गए इस महाजन स्टोर्स वाले के पैसे नहीं दिए। मैं गया और बताया कि साहब मेरे नाम का कोई खाता होगा, आप खाता खोलिए, मेरा कुछ पैसा देना है आपको। तो उन्होंने खाता खोला, बहुत पुराना, बोले यार कोरलाल भाई नाम वाम भूल गया था, वो कोरलाल भाई मेरे को याद नहीं है। मैंने कहा खोलो, क्योंकि मैं किसी का कर्ज नहीं रख सकता। उन्होंने खाता खोला और 700-800 रुपए का जो कर्जा था मैंने निकाल के दिया, तो उन्होंने 101 रुपए मुझे वापस निकाल के दिया। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा ये सगुन का पैसा है, जिंदगी में फलेगा। तो ईमानदारी का फल मिलता है। मैंने छोटी सी बात शेयर की, लेकिन मैं मकसद जो है वो बता के मेरी बात को खत्म करूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा और जीने के बाद में मरना सबका तय है,
और कल मौत आ जाए ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने 20 साल की सेवा की, 20 साल की शासकीय सेवा मेरी बची हुई थी, मैंने प्रण किया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके आज यदि मैं सेवानिवृत्ति नहीं लेता तो असिस्टेंट कमिश्नर बन के नेम प्लेट लगा के घूमते रहता और अच्छी खासी जीवन जी सकता था। लेकिन मैंने तय किया 20 साल की जो सर्विस है समाज के देश के नाम पे समर्पित है, बचा हुआ मेरा जीवन मैंने परिवार से परमिशन ली और मेरे माता पिता से परमिशन ली। आप लोगों ने देखा कि मैंने जो संस्कृति प्रकृति संस्कृति और लोकतंत्र जो अनवरण ये अनवरत यात्रा निकाली वो पहले गांव गया था तो माता पिता का परमिशन लेने गया था कि मैं जीवन अपना समाज और देश के नाम पे समर्पित कर रहा हूँ। तो 2 सितंबर 2023 को यात्रा का प्रथम चरण था और ये 30 दिसंबर 2023 यात्रा का द्वितीय चरण है। ये यात्रा इस मध्य प्रदेश के 3-4 जिलों से होकर के, क्योंकि लंबी बात नहीं करना, 3-4 जिलों से होकर के महाराष्ट्र के कुछ जिलों से होकर के गुजरात के कुछ जिलों से होकर के और 13 जनवरी 2024 को आदिवासी एकता परिषद का जो 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन होने जा रहा है वहां पर जाकर सभा में मिलेगी और 15 जनवरी 2024 को इस यात्रा। तो मोटे मोटे उद्देश्य में बताना चाहूंगा कि यात्रा किसी जाति धर्म पंथ और राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं है। एक तो ये मानसिकता का हम लोगों को क्लियर कर लेना चाहिए। दूसरा, ये जो चार शब्द है संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र, इस पे दुनिया भी टिकी हुई है और हर देश की लोकतांत्रिक मूल्य भी टिके हुए हैं। यदि ये चार शब्द दुनिया में बचे रहे, इनका मान सम्मान होता रहेगा तो विद्यार्थी से लेकर मजदूर से लेकर किसान से लेकर व्यापारी से लेकर सबको इज्जत से जीने का अधिकार इस देश में मिलेगा। और मानवता और इंसानियत के लिए यदि जियोगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, आपकी जाति से ऊपर उठना पड़ेगा, आपके पंथ संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत भेद नहीं करता है, ये प्रकृति भेद नहीं करती है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि एक झाड़ के नीचे जाइए, कुदरत हमको सिखाता, प्रकृति हमको सिखाती है, झाड़ के नीचे जाइए, झाड़ कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये आदिवासी आया, ये दलित आया, ये ओबीसी आया, ब्राह्मण आया, क्षत्रिय आया, कौन आया, मैं छाया नहीं देता, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति आए, पंथ संप्रदाय के व्यक्ति आए, वो छाया देता है। ऐसा ही मेरा देश है जो सबको सम्मान से जीने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। इसलिए इस देश में जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे जो झगड़े चल रहे हैं और नफरत की राजनीति इस देश में खड़ी की गई है, उसको हमको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं और मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। यदि दुनिया की भलाई चाहते हो, देश के नागरिक की भलाई चाहते हो, तो ये नफरत की राजनीति छोड़ो और प्यार मोहब्बत से देश में जियो। और आपको ये भारत देश का संविधान वोट देने का अधिकार देता है। और कितनी बड़ी विशेषता है, गरीब वोट देगा, महिला वोट देगी, पुरुष वोट देगा या अमीर वोट देगा, सबका मूल्य एक ही है। जब सबका मूल्य एक ही है तो सबके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये देश में माहौल खड़ा हुआ है कि हम वोट का वैल्यू तो एक है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग भेद कर रहे हैं, जाति के नाम पे भेद कर रहे हैं, धर्म के नाम पे भेद कर रहे हैं, गरीबी अमीरी के नाम पे भेद कर रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं कि देश की 85% संपत्ति मात्र 3% लोगों के हाथ में दे दी गई है। जो संविधान में मूल भावना है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात की गई है, यदि इसको हमको चरितार्थ करना है तो इसको हमको अमल में लाना पड़ेगा कि आप यदि जनता ने चुन के भेजा है आपको तो चंद उद्योगपतियों के इशारे पे कानून मत बनाइए, चंद उद्योगपति के इशारे पे आप निर्णय मत लीजिए, नहीं तो ये देश बर्बादी की कराकार पे जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये बड़ी बात है कि खाने का संघर्ष जुदा होता है, जीने का संघर्ष जुदा होता है। एक व्यक्ति खीर पूरी मक्खन खाएगा और दूसरा व्यक्ति मिर्ची रोटी भी नहीं मिलेगा। जब खाने का संघर्ष में चलेगा तब व्यक्ति घर में से छीन के लाएगा और खाएगा। क्या आप लोग चाहते ऐसा संघर्ष देश में खड़ा हो? नहीं। इसलिए देश के किसानों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा।
कि यदि किसानों की फसल उपज दी है तो समर्थन मूल्य यदि आप डिक्लेयर करते हैं तो आपके उसके लगने वाली सारी लागत को जोड़ना पड़ेगा और उसके घर में परिवार में कितने लोग काम करते उनका भी वैल्यू जोड़ना पड़ेगा और जो संसाधन लगाया उसका भी वैल्यू जोड़ना पड़ेगा, चाहे बीज हो, खाद हो, दवा हो, निंदाई हो, गुड़ाई हो, कटाई हो, निकालने का हो और फसल को बोरे में भरने का और यहां से वहां तक ले जाने का यदि भाड़ा जोड़ के उसका मूल्य तय करोगे और प्रॉफिट जोड़ोगे तब जाके देश का किसान का फायदा होगा, नहीं तो देश के किसान का फायदा होने वाला नहीं है। हम संघर्ष करते हैं कि बोला कि 20 साल पहले कपास की वैल्यू क्या थी तो 4000 रुपए क्विंटल, ओके कोई बात नहीं, और आज तो 8000 डबल हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए जो तेल 40 रुपए किलो मिलता था वो 150 और 250 रुपए किलो हो गया है, और यदि अच्छा व्यक्ति है तो प्योर तेल खाता तो 300 रुपए किलो से भी ज्यादा का मिलता है। तो कहां है समानता? यदि मैं फसल की दाम बढ़ाने की बात करता हूं, यदि मैं बोलता हूं कपास की कीमत 20000 रुपए क्विंटल कर दीजिए, कर देंगे, लेकिन जो कपड़ा बन रहा है क्या उस अनुपात में उतना ही रहेगा? नहीं, इसमें गैप बढ़ जाएगा। जो कपड़ा आप 100 रुपए में खरीद रहे वो कपड़ा आपको 1000 रुपए में मिलेगा। ये देश में असमानता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि देश में समानता लाना चाहते हो तो मजदूरों के बारे में विचार करना पड़ेगा और मजदूरों के लिए ये बात करना पड़ेगी कि जो इंडस्ट्री चल रही है, जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से कुछ इच्छा उसका मजदूर का भी होगा क्योंकि उसका भी खून पसीना उसमें लग रहा है। ये बात बड़ी है, उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश में समानता यदि स्थापित करना है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको अमल में लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि आपने बड़ी बड़ी परियोजना लाई, विस्थापन किया, हम इसके खिलाफ है क्योंकि ये विनाश की कगार पे ले जा रहे हैं। आप देखिए दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बांध बने हैं, बाढ़ आई है, तूफान आया है, भूकंप आया है, बांध टूटा है और उसने हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, दलित नहीं देखा, ब्राह्मण नहीं देखा, सबको बर्बाद करके ले गया। तो फिर भी यदि आपको आवश्यकता है तो एक उसका मापक बनाइए, इससे बड़े डैम नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा जंगलों को नहीं काटेंगे, इससे ज्यादा खुदाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, खोद रहे हैं। तो कोरोना जैसी महामारी आई और ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मची और आपके विकास का पैसा लाखों करोड़ों अरबों रुपए धरे की धरे रह गए, आप किसी की जान नहीं बचा पाए, इसको हमको समझना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, बड़ी बड़ी परियोजना लाई, लोगों को विस्थापन किया, डैम बनाया आपने, लेकिन उनको मुआवजा दिया वन टाइम, आपने उनको मुआवजा दिया वन टाइम और उसके प्रॉफिट कमाया आपने, मैं गिनती नहीं कर सकता उतने टाइम, आपने उसका जीवन को बर्बाद किया, आपने उसका वैल्यू नहीं किया। यदि मैं जमीन से विस्थापित होता हूं तो मेरे पिछली 100 पीढ़ी वहां जी रही थी और आने वाली पता नहीं न जाने कितनी पीढ़ी वहां पर जिंदा रहती और खाती पीती उस जगह से, क्या आपने उसका अनुमान लगाया? नहीं। तो आपने जो योजना परियोजना लाई उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा उस विस्थापित व्यक्ति को देना पड़ेगा, तब जाके उसको न्याय मिलेगा। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने बताने का प्रयास किया। दूसरी जो बात है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता कि बोरलाल खरते आदिवासी है, ये सिर्फ आदिवासी की आवाज है, नहीं। बोरलाल खरते आदिवासी कार्यक्रम में जा रहा है इसलिए गाने भी वही बज रहे हैं और अनाउंसमेंट भी वही हो रहा है, लेकिन उसको ध्यान से सुनोगे तो मानवता और इंसानियत की बात की मैंने, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात की है जो भारतीय संविधान की आत्मा है। यहां सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, मानवता बचेगी, इंसानियत बचेगी तो हम सब सुरक्षित रहने वाले हैं। और छल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो बचेगी, जैसे हस्तदेव के जंगलों में आज वहां का आदिवासी संघर्षरत है, लेकिन देश के हुक्मरान उनकी आवाज को दरकिनार करते हुए जंगलों की कटाई जारी रखी है। वहां के लोगों की संवेदना देखिए, वहां की महिलाओं की संवेदना देखिए, वो जहाड़ से निपट रही है। जैसे चिपको आंदोलन दुनिया में चला था वैसे ही चिपको आंदोलन वहां के आदिवासी महिला और वहां के आदिवासी लोग चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजन मिले, वहां का प्राणी बचे और पर्यावरण वातावरण संतुलन बना रहे, इसलिए संघर्ष है। तो मैं आखिरी बात कहूंगा, जंगल बचेगा, जमीन बचेगी, पानी शुद्ध रहेगा, ये सूरज हमेशा उगता रहेगा और ये रात अंधेरा और फिर से उजाला होता रहेगा, तो न सिर्फ आदिवासी जिंदा रहने वाला है बल्कि तमाम प्राणी मात्र
और मानव जगत जिंदा रहने वाला है और प्रकृति सुरक्षित रहने वाली है। इसलिए जल जंगल जमीन की लड़ाई की मूल आत्मा को हमको समझना पड़ेगा। इसलिए आप आदिवासियों को सिर्फ गाली मत दीजिए, यह तो विकास विरोधी है। हम विकास विरोधी नहीं है, हम विनाश के विरोधी है। संपोषक विकास चाहते हैं हम देश में, दुनिया में टिकाऊ विकास कहा चाहते हैं, जो आदिवासियों समाज की संस्कृति मूल परंपरा रीति रिवाज में, उसके मूल्य में, जीवन दर्शन में, जीवन शैली में मौजूद है। आप समझेंगे उसको कि आदिवासी समाज प्रकृति से उतना ही लेता है जितना कि उसको आवश्यकता है और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ देता है। ये मूल भाव है आदिवासी समाज के, आदिवासियों का। इसलिए आप ये जो हम यात्रा लेके निकले, संख्या में कम जरूर दिखते हम, लेकिन साथ वकील है मेरे साथ में, डॉक्टर है मेरे साथ में, इंजीनियर है मेरे साथ में, समाज के और दिगर समाज के जनप्रतिनिधि है। सेंधवा नगर में जैसे ही प्रवेश हुए हम, भले एक आए दो आए, मेरे लिए गिनती मायने नहीं रखती, लेकिन सभी समुदाय के लोग आके इस यात्रा का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तो जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उस दिशा में हमको बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, क्योंकि हम जो देश में जो राजनीति खड़ी हुई है उसको बदलने के लिए निकले हैं, न सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री ये बनने के लिए नहीं निकले हैं। हमारी सोच सभी जाति धर्म पंथ के लोगों को न्याय मिले, और उनके लिए कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो किसी भी जाति संप्रदाय धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन सच्चा वीर सपूत देशभक्त है तो निकल के आइए और इस समाज की लड़ाई को लड़िए, देश सेवा की लड़ाई को लड़िए, ये बात कहने के लिए निकले हैं। और पूरे रास्ते भर में, न सिर्फ यहां पर, हम मंदिर में भी गए, हम तमाम प्रकार के आस्था और श्रद्धा के केंद्र पे गए, हम किसी चीज के विरोधी नहीं है। कई बार ये बात उठ के आ जाती है कि आदिवासी समाज हिंदू धर्म का विरोधी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, पर वैसे ही जैसे भारत देश का संविधान सभी धर्मों को मानने का हक और अधिकार देता है, स्वतंत्रता और समानता से जीने का हक देता है, वैसे ही सम्मान हम मुस्लिम समुदाय के लोगों का, मुस्लिम धर्म का भी करते हैं, वैसे ही सम्मान हम ईसाई धर्म का भी करते हैं, वैसे ही बौद्ध, पारसी, जैन धर्म का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं इस देश के संविधान को मानता हूं। और ये देश का संविधान बचा रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहने वाले हैं, ये प्रकृति और संस्कृति सुरक्षित रहने वाली है तो हम सब लोग सुरक्षित रहने वाली है। आप लोगों ने सेंधवा नगर भ्रमण के दरमियान, मुझे बहुत खुशी हुई, सेंधवा के वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों ने इस यात्रा का स्वागत सत्कार किया, तो मेरे जो कार्यकर्ता, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हम दिन का भोजन नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वक्त बचेगा तो लोगों से ज्यादा संवाद होगा। फिर भी ये जो नौजवान साथी हैं मेरे साथ में, मैंने तो तृप्ति ले ली कि ठीक है, खाना मिले तो ठीक है, पानी मिले तो ठीक है, सोना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, जो जैसा संसाधन मिलेगा लेकिन चल लेंगे। पर मेरे साथ में जो नौजवान साथी चल रहे हैं, मैं नाम नहीं गिना सकता, लेकिन वो लोग भी मेरी जैसी प्रक्रिया है, मेरी जैसी दिनचर्या है, वैसी ही दिनचर्या में ये भी जी रहे। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। मैं पुनः सेंधवा नगर के सभी साथियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इस यात्रा के साथ में जुड़ने के लिए मैं संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा की तरफ से तहे दिल से शीश नमा करके और सैल्यूट करके आपका शुक्रिया द्वारा आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मेरा एक जन्म भी स्थली है और कर्म भी स्थली है, इसलिए ज्यादा लगाव है। जितना काम हम देश में करेंगे उससे 10 गुना काम हम यहाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस माटी पे मैंने जन्म लिया है, जिस माटी का मैंने नमक खाया है, जिस माटी का मैंने अन्न खाया है, जिस माटी का मैंने पानी पिया है, मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है, तो उसको उतारने का मैं प्रयास करूंगा। उतार नहीं सकता हूं, लेकिन उतारने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे हम। व्यक्तिवाद, भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद से ऊपर उठकर काम करेंगे, और उसमें भी किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचेंगे, इस भावना और धारणा के साथ में काम करेंगे। एक पवित्र काम के लिए निकले हैं। आप लोगों का जो आशीर्वाद मिला है हमको बहुत एनर्जी दे रहा है, बहुत ऊर्जा मिल रही है हमको सेंधवा और सेंधवा के आसपास के लोगों का, बड़वानी जिले का, ये चीज बढ़ते जाती, राज्य का, देश का। दुनिया के लिए निकलेंगे तो भारत देश की बात करेंगे हम। तो इसलिए बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शायद मैं जितना जीऊंगा
उससे थोड़ी और जिंदगी मेरी यहाँ आने से और बढ़ गई है। तालियों की गड़गड़ाहट से शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।